भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि दुल्लादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव को समर्पित है जो गर्भगृह में स्थापित है। दुल्लादेव का अर्थ है पवित्र दूल्हा। मंदिर को कुंवर मठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और यह 1000 से 1150 ईस्वी पूर्व का है। यह चंदेल काल के दौरान निर्मित मंदिरों में से अंतिम है। मंदिर सात रथ योजना में बनाया गया है। मंदिर में उकेरी गई मूर्तियों में अन्य मंदिरों के विपरीत कोमल अभिव्यंजक विशेषताएं हैं। दीवारों पर कामुक मुद्राओं और अन्य आकृतियों में नक्काशीदार दिव्य नर्तकियों का प्रदर्शन है। खजुराहो स्मारक समूह के हिस्से के रूप में मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। दुल्लादेव मंदिर हिंदू भगवान शिव के 22 मंदिरों में से एक है जो उन 87 मंदिरों में से हैं जो मध्य भारत के चंदेला शासकों द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो के छोटे से गांव में भवन निर्माण गतिविधि का चरम काल 950 से 1185 तक था। मंदिर हिंदू और जैन धर्म के पारंपरिक धर्मों से संबंधित हैं। इन्हें तीन समूहों या तीन क्षेत्रों के अंतर्गत पहचाना जाता है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 1335 में भी इन मंदिरों के अस्तित्व की पुष्टि की थी। दक्षिणी समूह में मंदिर दुल्लादेव और चतुर्भुज हैं। सभी मौजूदा मंदिरों को 1986 में अपनी कलात्मक रचना के लिए मानदंड IIIA के तहत, विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची के तहत और चंदेलों की संस्कृति के लिए मानदंड वी के तहत अंकित किया गया था, जो 1202 में मुसलमानों द्वारा देश पर आक्रमण होने तक लोकप्रिय था। यह भी कहा जाता है कि चंदेल वंश के मदन वर्मन 1128 से 1165 ने अपने शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास जमसोर में एक मंदिर के अवशेषों से मिली मूर्तियों से मजबूत पहचान रखती हैं। इस समानता से यह अनुमान लगाया गया है कि दोनों स्थानों पर मूर्तिकला एक ही मूर्तिकारों की करतूत थी और आगे की वे कीर्तिवर्मन के शासनकाल के दौरान थवर 60 से 1100 की अवधि के दौरान बनाई गई थी। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरालेख और स्थापत्य शैली के आधार पर खजुराहो में मंदिर निर्माण गतिविधि की अवधि 904 से 1120 ईस्वी तक का अनुमान लगाया है। मंदिर में कई स्थानों पर अंकित वसाला नाम से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नाम मुख्य मूर्तिकार का है जिसने मूर्तियां बनाई। मंदिर में कई स्थानों पर अंकित वसाला नाम से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नाम मुख्य मूर्तिकार का है जिसने मूर्तियां बनाई। मंदिर को निरंधरा मंदिर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निरंधरा का अर्थ है चल पथ के बिना एक लेआउट जिसमें एक गर्भगृह, एक बरोठा, मुख्य हॉल, महामंडप और एक प्रवेश द्वार पोर्च शामिल है। मंदिर के लेआउट में परिक्रमा पथ नहीं है, जो संभवतः इस तथ्य के कारण है कि यह 12वीं शताब्दी में चंदेलों के शासनकाल के दौरान बनाए गए मंदिरों में से अंतिम था, जब उनके निर्माण चरण की चरम अवधि पहले ही हो चुकी थी। उत्तीर्ण मंदिर का शिखर छोटे शिखरों की तीन पंक्तियों में बनाया गया है। इसकी विशेषताएं आम तौर पर खजुराहो परिसर के अन्य मंदिरों के लिए अपनाई गई विशेषताओं के अनुरूप हैं। स्मारकों की भौतिक विशेषताओं के अनुसार वर्गीकरण में एक उठा हुआ आधार शामिल है, जो एक उप संरचना है जिसके ऊपर समृद्ध रूप से सजाई गई संरचना खड़ी होती है और समृद्ध मूर्तियों से ढकी होती है। स्थापत्य शैली नागर है, जो शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर का मुख्य हॉल बहुत बड़ा और अष्टकोणीय आकार का है। इसकी छत पर दिव्य नर्तकियों की सुंदर नक्काशी की गई है। ऐसे 20 कोष्ठक हैं जिनमें अप्सराएं उकेरी गई हैं। प्रत्येक कोष्ठक में दो या तीन अप्सराएं एक दूसरे के बगल में हैं और छत में एक गोलाकार घेरे में व्यवस्थित हैं। पेड़ों के चारों ओर नृत्य करती युवतियां और कामुक मुद्रा में महिलाएं भी मंदिर की वास्तुकला का हिस्सा हैं। इसे खजुराहो की वास्तुकला और मूर्तिकला निपुणता की आखिरी चमक कहा जाता है। मुखौटे में शीर्ष पंक्तियों में जीवंत मोड़ में अलौकिक प्राणियों विद्याधर की मूर्तियां हैं। बरामदे के प्रवेश द्वार में छतरियों और धूमधाम की सजावट के नीचे नदी देवियों की मूर्तियां हैं। एक आकर्षक मूर्ति मंदिर के भीतरी मार्ग में खंभों के बीच एक दिव्य नर्तक की नक्काशी की है, जिसमें एक हार की सजावट है जिसमें हाथ इस तरह तैयार हैं जैसे कि पासा फेंक रहे हों। जमसोर मंदिर और दुल्लादेव के खंडहारों के बीच
एक और समानता आम के पेड़ों और फलों की मूर्तियों की छतरी है, जो उर्वरता का प्रतीक है। इन पेड़ों के बीच स्थापित मूर्तियां बाहर की ओर उभरी हुई हैं और उनके सामने का चेहरा अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन दोहरी ठोड़ी और तेजी से धनुषाकार भौहें प्रदर्शित करती हैं। ये सभी बड़े पैमाने पर आभूषणों से सजाए गए हैं। एक उड़ते हुए देवता की नक्काशी भी उल्लेखनीय है, जिसे एक लंबे आयताकार आकार के हार से सजाया गया है। यहां सूर्य, ब्रह्मा और शिव की त्रिमूर्ति की नक्काशी भी है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर लिंटेल पर शिव की एक आकृति खुदी हुई है। गर्भगृह में लिंग का केंद्रीय चिन्ह मूल नहीं है, बल्कि डुप्लीकेट है, क्योंकि मूल का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर में पूजा की जाती है। लिंग पर चित्रण।